डेढ़ हो गया। हाँ जाऊँ बस बोलिए अश्विन यार। हाय गाइस बढ़िया ठीक है। पेपर शुरू होगा अभी, पीछे बैकग्राउंड ये सब तो मैं अलग जगह पे खड़ी हूँ, पीछे है सेंटर है ना, तो जाऊँगी बस। अभी टाइम हो गया, एंट्री शुरू हो गई, अभी जाऊँगी। अभी आगे बताऊँगी वो तो पेपर कैसा होगा, लेकिन है थोड़ा कि ठीक ही होएगा है ना, तो बस और तो क्या ही। सेंटर गाइस भीड़ लगी हुई है, अभी तो अभी नहीं जाई, थोड़ी देर में जाऊँगी। सॉरी इतना लेट वीडियो के लिए, लेकिन हाय गाइस सॉरी सबसे पहले इतना लेट वीडियो के लिए, क्योंकि चीज़ नहीं बना सकती थी और अभी टाइम मिला है मेरे को। अब भी बहुत जल्दी जल्दी बोल ऐसे बना रही हूँ, लेकिन ठीक है ये वाली वीडियो ज़रूरी थी तो बना रही हूँ है ना। और फालतू की बकवास कुछ नहीं, मैं बताती हूँ मेरा कैसा गया पेपर। पेपर मेरे हिसाब से ठीक गया है, लेकिन मेरे को इतनी कोई ऐसे श्योरिटी भी नहीं कि हाँ ठीक है मेरा क्लियर हो जाएगा। मैं बता देती हूँ, तो मैं रीजनिंग में मैंने किए हैं 12 क्वेश्चन, 12 में से 8 क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं, और उनमें मतलब मेरे से नहीं हुई इतनी कोई पजल पुजल, बहुत कम कर रखे हैं मैंने क्वेश्चन, कम है ये बहुत, 12 क्वेश्चन रीजनिंग में ठीक है। उसके बाद जीए में 19 अटैम्प्ट हैं मेरे, लेकिन वो ऐसे श्योरिटी वाले नहीं है, थोड़ा आइडिया लगा के कर रखे है, मतलब एक्यूरेसी में डाउट है मेरे को जीए में काफ़ी है ना। और ये था जीए का। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश मेरे को इजी लगी, लेकिन फिर भी उसमें भी एक्यूरेसी पता नहीं कैसी रहेगी। उसमें मेरे 24 अटैम्प्ट्स तो 1 नंबर वाले हैं और 5 अटैम्प्ट 2 नंबर वाले हैं। ये था इंग्लिश का। पिछले साल से मेरे को थोड़ा ठीक लगा इंग्लिश का लेवल, मतलब अब इजी वाली साइड अब था। उसके बाद क्योंकि मिसलेनियस ज़्यादा थे, उसके बाद क्वांट भाई पिछली बार तो मतलब कुछ समझ नहीं आया था, एक क्वेश्चन सोल्व करने लायक नहीं था, इस बार फिर भी मैं करके आई हूँ। उसमें भी 12 ही अटैम्प्ट है रीजनिंग की तरह, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं और बाकी कितने बचे 7 क्वेश्चन वैसे है नॉर्मल। ये है क्वांट का। बस अब यहाँ पे गड़बड़ हुई सबसे ज़्यादा, डिस्क्रिप्टिव जो मैं जिसके लिए मैं काफ़ी ऐसे होके जाती हूँ ठीक है, इसका क्या पढ़ना हो ये तो आराम से हो जाएगा, लेकिन सांस ले लूँ थोड़ा। पेपर शुरू हुआ, लेटर राइटिंग फॉर्मल की है मैंने, उसका फॉर्मेट पता था, बस कर दी जल्दी से, कौन सी थी वो एटीएम मशीन वाली, वो वाली करके आई हूँ। लेटर हो गया पूरा अच्छे से, और मेरे कीबोर्ड में कुछ कीज़ इरेज हो रखी थी, मतलब वो दिखनी बहुत एक डंडा दिख रहा था जिससे आप समझ नहीं सकते कि ये कौन सा लेटर है ना। तो मैंने उनको पेपर शुरू होने से पहले मैंने उनको बोला भी था, और काफ़ी बच्चों की ये प्रॉब्लम थी, लेकिन वो बोलते कि जब डिस्क्रिप्टिव शुरू होगा ना, अभी तो आपको ज़रूरत नहीं है कीबोर्ड की, जब शुरू होगा ना तब हम चेंज कर देंगे। मैंने बोला भी कि बीच में टाइम थोड़ी मिलता है, तब आप मेरा टाइम वेस्ट करोगे अभी कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं उसी से टाइप कर रही थी, और वो तो मेरे को थोड़ी आदत है, तो मेरे को थोड़ा याद था कि ये कौन से लेटर है, तो मैं कर रही थी उससे, लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही थी है ना। वो अराउंड 5-6 लेटर्स ऐसे ही रेज से हो रखे थे, फिर भी कर रही थी ठीक है, और लेटर हो गया आराम से, काफ़ी देर में हुआ, लेकिन मेरा लेटर कुछ 12-13 मिनट तक हुआ था लेटर, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है लेटर के लिए, फॉर्मल लेटर किया था। उसके बाद ऐसे शुरू ही हुआ था, 1 लाइन हुई थी बस, सिस्टम ही बंद हो गया, फिर काफ़ी बच्चों का हुआ और ये ऐसे, फिर उनको बोला तो वो काफ़ी देर में चला है ना, चला तो मेरे को तो था कि टाइम तो इन कट जाएगा, अब तो गई मतलब गया ऐसे तो, लेकिन नहीं, टाइम तो वैसे ही मिल गया था पूरा, जहाँ से वो पोज हुआ था वहीं पे उतना ही टाइम मिल गया था, लेकिन फिर भी ऐसे बीच में ऐसे होता है तो दिमाग ख़राब तो होता ही है। फिर ऐसे मेरा पूरा ही नहीं हुआ, ऐसे मेरे 300 वर्ड्स करने होते मेरे, कुछ 170 कुछ वर्ड्स ही हुए हैं मेरे, तो वो बहुत कम है। और मेरे को लगता इस बार डिस्क्रिप्टिव मेरा पिछली बार काफ़ी अच्छा हुआ था, इस बार गंदा हुआ है बहुत, तो पता नहीं क्या ही मार्क्स आएंगे डिस्क्रिप्टिव में। बस यही था ओवरऑल रीजनिंग 12,
जी ये 19 मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया था कल ही, और इंग्लिश 29 और क्वांट 12 और डिस्क्रिप्टिव बस लेटर पूरा है ऐसे आधा किया हुआ है बस, और ऐसे मैंने किया वो अर्ली चाइल्डहुड वाला है ना, बस यही था। और तो कोई दिक्कत नहीं आई, पर ये काफ़ी बड़ी दिक्कत थी। मतलब अब तक मेरे सारे, मेरे को कोई एग्ज़ाम में कभी ऐसे कोई मतलब सेंटर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई कभी, इस बार यही बहुत ज़्यादा थी ये। लेकिन पिछले साल के अकॉर्डिंग मेरा पेपर इस साल ठीक हो, ठीक, बस डिस्क्रिप्टिव की बात नहीं करें तो डिस्क्रिप्टिव पिछली बार बहुत अच्छा हुआ था, इस बार एकदम गंदा। बस यही था, ठीक है। और आप सब बताना आपका कैसा हुआ है। यही था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आर यू असिस्टेंट, बस दिवाली के बाद उसकी तैयारी।